For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. सलमान खान ने हाल ही में अपनी E2020 रिलीज राधे योर मोस्ट वांटेड भाई की शूटिंग किक स्टार्ट की है और इस फिल्म के लिए वो एक बार फिर कोरियोग्राफर टर्न्ड फिल्म मेकर प्रभुदेवा के साथ हाथ मिला रहे हैं। और सलमान खान की फिल्म हो और वो भी ईद पर तो फैंस तो एक्साइटेड होंगे ही। ऐसे में फैंस के मन में इस कॉप बेस्ड फिल्म को लेकर कई सवाल थे। सबसे पहला सवाल था कि फिल्म की लीडिंग लेडी को लेकर। तो इस बात का खुलासा करते हुए हमने आपको बताया था कि इस फिल्म में सलमान खान अपनी भारत को स्टार दिशा पाटनी के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करने वाले हैं। अब हीरो भी हैं और हीरो भी तो कमी है तो बस एक विलन की, और सलमान खान की फिल्म के विलन को भी दमदार तो होना ही पड़ेगा। ऐसे में हम फैंस के लिए लाए हैं एक और धमाकेदार खबर। फाइनली फिल्म राधे योर मोस्ट वांटेड भाई के विलन ने भी शूटिंग स्टार्ट कर दी है और इस बार मेकर्स ने एक्टर भारत को इस फिल्म का एंटागनिस्ट चुना है। इस बात का खुलासा खुद भारत ने अपने सोशल मीडिया हैंडल के जरिए किया, जब उन्होंने अपनी और सलमान खान की कुछ सेल्फीज शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ऑप्टिमिज्म इज द फेथ दैट लीड्स टू अचीवमेंट, हैप्पी एंड blessed to be part of Radhe, a dream come true to act alongside the most wanted bhai of Indian cinema. Heartfelt thanks and gratitude to Prabhu Master for keeping the faith in me. Hashtag Radhe Eid 2020, hashtag Eid 2020. Well, hum to Bharat ko Radhe, your most wanted bhai ke villain ka role nibhata dekhne ke liye kaafi excited hain. Aur aap, niche de comment section mein hame zarur bataye.